पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नरेशन पार्ट वन का स्टडी किया, अब हम पार्ट टू पर आते हैं। तो आप इस तथ्य को जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन होता है जब हम किसी भी प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं, यानी किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन होता है, लेकिन उसके हम अपवाद पर आते हैं, एक्सेप्शन पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा है एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन होता है, लेकिन यदि कोई वाक्य हो और उस वाक्य का संबंध इन बिंदुओं से, जैसे मान लीजिए पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ से हो, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट से हो, तीसरा प्रोवर्ब से हो और चौथा हिस्टोरिकल फैक्ट से हो। इन चार चीजों से अगर उस वाक्य का संबंध है तो हम अगर किसी भी टेंस में होगा तो उसका कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्यता, हैबिचुअल फैक्ट माने होता आदत से संबंधित तथ्य, प्रोवर्ब माने होता है मुहावरा और हिस्टोरिकल फैक्ट माने होता है ऐतिहासिक तथ्य। एग्जांपल पर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हुआ ही से द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजे इन द ईस्ट। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो हमारा होगा ही से का कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, कंजक्शन हम लगाएंगे दैट। ठीक, अब से को चेंज कब करते, जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहता तब, या कोई सेकंड पर्सन का यहाँ पर योग हुआ होता तब यहाँ मानते तब बदलते। अब दैट हो गया, द सन ये जो हमारा है वह थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, जैसा कि आप पहले इसको स्टडी कर चुके हैं। अब राइजेस ये पसेंट इनफिनिटिव टेंस का वाक्य है, तो हम ये जानते थे बाबा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन होगा। जैसे हम बताए थे पसेंट इनफिनिटिव को पास्ट इनफिनिटिव में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट, इसी तरह जो मैं पहले बताया उस वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देख लेंगे तो उसमें मैंने बताया कि पसेंट इनफिनिटिव टेंस को पास्ट इनफिनिटिव टेंस में बदलेंगे। लेकिन बाबा ये रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो लेकिन यहाँ जो इसका संबंध है वह यूनिवर्सल ट्रूथ से है, इसका संबंध कि सूरज पूरब में ही उगता है, तो ये पहले भी होता था, आज भी और बाद में भी, फ्यूचर में भी होता रहेगा, तो ये सार्वभौमिक सत्यता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर इसका टेंस का कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब दूसरे एग्जांपल पर आते हैं, जैसे द टीचर सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स एट स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ देखेंगे जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ जब बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा द टीचर, अब सेड को असेंट फॉर्म पर बदल देंगे टोल्ड मी, कंजक्शन हमारा दैट। अब डस बार एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भोंकते हैं, ये आदत है, तो आदत से संबंधित है, हैबिचुअल फैक्ट से है, इसलिए इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम ऐसे ही रख देंगे डस बार एट द स्ट्रेंजर्स, तो इसमें भी हम टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, अब आते हैं तीसरे रूल पर, जैसे मोहन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब
इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा मोहन सेड दैट। अब देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यहाँ इसका जो संबंध है वह प्रोवर्ब से है, इसलिए यहाँ पर भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दैट उसके बाद लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगले एग्जांपल पे आते हैं, जैसे मोहन सेड इंडिया बीकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक, यानी या 15 है ध्यान देंगे, तो कह रहा कि मोहन कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो इसका जो संबंध है वह हिस्टोरिकल फैक्ट से है, इसलिए यहाँ पर भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको जब हम बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा मोहन सेड दैट इंडिया बीकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो एक बार और आपको ध्यान देंगे कि हम इसके पहले हम लोग स्टडी किए हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वहाँ पर टेंस का कोई परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इन्फिनिटिव को पास्ट कैसे परिवर्तन होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा माइंड करिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का संबंध इन चार चीज़ों से हो रहा है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट, इन चार तथ्यों से हो रहा है, तो इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल एक बार और देखें, ही से द सन राइजिंग इन द ईस्ट, इस रिपोर्टेड स्पीच में इसका जो संबंध है वह यूनिवर्सल ट्रूथ से है, इसलिए यहाँ पर हम टेंस का कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। इस वाक्य में हैबिचुअल फैक्ट से है, यहाँ पर भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरे में प्रोवर्ब से है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर भी कोई टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है। और चौथे में देखेंगे बीकेम, ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट इनफिनिटिव टेंस का वाक्य है और पास्ट इनफिनिटिव को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका संबंध हिस्टोरिकल फैक्ट से। तो अगर इन चार चीजों से, इन चार तथ्यों से रिपोर्टेड स्पीच का संबंध है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब भले किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, इसका कोई हम टेंस का परिवर्तन नहीं करते। अब वाला हम स्पेशल रूल्स की ओर चलते हैं, ठीक है? तो उसमें जैसे आपने इसके पहले टेंस वगैरह पढ़ा, अब हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, विनय, प्रार्थना, सलाह या सुझाव की भावना प्रकट हो, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार और देखेंगे, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, विनय, प्रार्थना, सलाह या सुझाव की भावना प्रकट हो, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, जैसे रीड दिस बुक। दूसरा वॉक स्लोली। ठीक, तीसरा आते हैं प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक, तो इन तीनों वाक्यों से देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ो, यहाँ आज्ञा से संबंध है इसका, यहाँ सजेशन से है और यहाँ आग्रह कर रहा है। ठीक, तो ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, विनय, प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि भावनाएं प्रकट हों, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो ये एग्जांपल आप देख लिए। अब इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है उसको देखा जाए। ये इंपरेटिव सेंटेंस इसके जो फॉर्म होते हैं उसके तीन हैं। पहला जो होता है वह होता है अफर्मेटिव फॉर्म, या अफर्मेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत आता है। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस,
और तीसरा आता है इम्फैटिक सेंटेंस, इम्फैटिक सेंटेंस इसके अंतर्गत या इम्फैटिक फॉर्म। ठीक, तो इम्परेटिव सेंटेंस की खासियत यह है कि वह हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं रीड दिस बुक, वॉक स्लोली, प्लीज गिव मी। तो इन तीनों वाक्यों में यहाँ रीड, यहाँ वॉक और यहाँ पर गिव, यह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका यह है कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होता है, उसका जो अफर्मेटिव फॉर्म होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसे होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको ध्यान देंगे कि पहले हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो पहले हम डू लगाते हैं फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया रीड दिस नॉवेल। ठीक, दूसरा हो गया प्लीज कम हियर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा डज नॉट का प्रयोग नहीं करता करते हैं, क्योंकि डू नॉट में अप्रत्यक्ष रूप में, इसमें नेगेटिव में या इंपरेटिव सेंटेंस में अप्रत्यक्ष रूप से यू छुपा रहता है, तो यू के लिए हम अक्सर जानते हैं कि डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट या डोंट भी कर सकते हैं, डू नॉट कम, डू नॉट कम हियर। ठीक, डू नॉट कम हियर। दूसरा डू नॉट प्ले। ठीक, अब इम्फैटिक फॉर्म पर जब आते हैं इसका, तो वहां पर इम्फेसाइज किया जाता है, मतलब हम दबाव देते हैं किसी चीज को। तो यहां पर एग्जांपल देख लेंगे, डू रीड द रामायण, यानी रामायण को अवश्य पढ़ो। ठीक, दूसरा डू प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट अवश्य खेलो। तो एक बार और ध्यान देंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस माने क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, विनय, प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि भावनाएं प्रकट होती हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव जैसे रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ो, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना कलम दीजिए। तो यहाँ पर ये सब दर्शा रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका संबंध ऑर्डर से, इसका सजेशन से और इसका रिक्वेस्ट से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने फॉर्म में इसका विभाजन होता है, तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इम्फैटिक में। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जैसे रीड दिस नॉवेल, प्लीज कम हियर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जैसे डू नॉट कम हियर या डोंट कम हियर, डू नॉट प्ले, मत खेलो। यहाँ पर इससे इस तरीके से एम्फैटिक सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर, पहले डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जैसे डू रीड द रामायण, फिर डू प्ले क्रिकेट, इसको इम्फेसाइज किया। अब हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो बारह इसका रूप ये है, अफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टडी करते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, तो जो यहाँ पर सी या सेज या सेड प्लस टू है, इसका परिवर्तन हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच के भावनाओं के अनुसार या के भाव के अनुसार या भावनाओं के अनुसार परिवर्तन करते हैं। ठीक, एक बार और समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयुक्त, ठीक, से, सेड या सेड प्लस टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार परिवर्तन करते हैं। जैसे
इसको बदल देंगे निम्न में, जैसे मान लीजिए आप उसका संबंध अगर प्रार्थना से हो रहा है तो सी सी से प्रश्न के स्थान पर यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्ट, फिर हम लिख सकते हैं रिक्वेस्ट और फिर लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड, ठीक। अगर मान लीजिए सजेशन से हो रहा है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पहला सजेस्ट, फिर सजेस्ट, फिर यहाँ पर सजेस्टेड, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ एडवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं ए टी वी आई एस ई एडवाइस और यहाँ पर एडवाइसेस, ठीक, और यहाँ पर एडवाइज्ड, ठीक। तो इस तरीके से फिर हम प्रयोग कर सकते हैं कमांड का, कमांड, ठीक, उसके बाद हो गया कमांड्स, फिर हो गया कमांडेड, ठीक। तो इसको जो भी उसके भावनाओं के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक। जैसे से प्रश्न को अगर प्रार्थना से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आर्डर भी प्रयोग कर सकते हैं ओ आर डी ई आर ऑर्डर ऑर्डर्स ऑर्डर, इस तरीके से उसके भावनाओं के अनुसार बदलेंगे। अब हम इस सेंटेंस के यानी इंफ्रेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स पर आते हैं तो ध्यान देंगे, और मैं आपको टीचिंग करने जा रहा हूँ इसके अफर्मेटिव फॉर्म का, मतलब पहला हम लोग लर्न करेंगे अफर्मेटिव, ठीक। तो एग्जांपल देखेंगे ही सेड टू मी, ठीक, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक। अब तवज्जो देखिए वाला, ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे ही, और इसके भावनाओं के अनुसार, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि उसके भावनाओं के अनुसार हम परिवर्तन करते रहेंगे, उसका आप लोग स्टडी कर लेंगे टेक्स्ट बुक से, तो यहाँ प्लीज हेल्प मी है तो आग्रह विनती कर रहा, इसलिए इस सेतु के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, तो रिक्वेस्टेड मी। अब ध्यान देंगे वाला, इसमें कंजक्शन हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, प्लीज को हटा देंगे, उसके बाद हेल्प रखेंगे, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी आए ही के लिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। एक बार और देखें, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो ही सेड के स्थान पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड, उसके बाद मी, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, प्लीज को हटा देंगे, मान लीजिए अगर यहाँ कांडली होता तो उसको भी हटा देंगे, उसके बाद हेल्प मी, ठीक। अगर एग्जांपल देखेंगे, सी सेड टू नेहा, सी सेड टू नेहा वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, ठीक, यानी वह नेहा से कही कि सावधानी पूर्वक चलो। यहाँ पर जो है इंपरेटिव सेंटेंस और इसकी भावना क्या है, सजेशन की भावना है, तो हम यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो सी उसके बाद लिखेंगे सजेस्टेड, सी सजेस्टेड नेहा, अब कंजक्शन टू लगाएंगे, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वा स्लोली, ठीक, ये ध्यान रहे। फिर अगला देखेंगे तीसरा, मान लीजिए हो गया द टीचर सेड, द टीचर सेड टू आसमा, द टीचर सेड टू आसमा सिट डाउन, सिट डाउन यानी बैठ जाओ, तो यहाँ पर जो अध्यापक हम आसमान का कर रहे हैं बैठने के लिए, तो ऑर्डर होगा। अब इसको जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा हमारा द टीचर ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर आसमा टू सीट डाउन, ठीक। तो ऐसे हम बदलेंगे, यानी इसके भावनाओं के अनुसार से टू का परिवर्तन कर देंगे और कंजक्शन टू का प्रयोग करके हम दूसरे वाक्य को वैसे ही उतार देंगे जो इंपरेटिव, और अगर प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ है तो उसको हम खत्म कर। अब हम
इसके निगेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके हम निगेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं कि अगर मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। इसके तीन रूल्स पढ़ेंगे आप लोग निगेटिव सेंटेंस में। नंबर एक मैं बता रहा हूं, जैसे ही से टू मी, ठीक, अब यहाँ कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक। जैसे मान लीजिए हो गया डू नॉट रीड दिस बुक, डू नॉट रीड दिस बुक। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के बाद तो कह रहा ही से टू मी डू नॉट रीड दिस बुक, इस पुस्तक को मत पढ़ो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म है और इससे आज्ञा का बोध हो रहा है। क्योंकि मैं इसके पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव फॉर्म होता है वो पहले डू नॉट का प्रयोग करके बनाते हैं। नेवर का भी प्रयोग होता है, इसके बाद मैं उसका स्टडी करूंगा, हम लोग करेंगे। ही से टू मी डू नॉट रीड दिस बुक, तो यहाँ पर हो गया ही से टू के स्थान पर, यहाँ पर जो हो रहा है आज्ञा की भावना हो रही है कि इस किताब को क्या करो, पढ़ो। तो ही ऑर्डर्ड मी, ठीक। अब टू नॉट नहीं होगा, पहले नॉट लगाएंगे तब टू लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो नॉट टू रीड दिस को बदलेंगे दैट मी, उसके बाद हो जाएगा बुक। तो ही सेड टू मी डू नॉट रीड दिस बुक, यहाँ हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी, पहले नॉट लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं पहले टू नहीं, पहले नॉट उसके बाद टू, रीड दिस को दैट में, ऐसे करते हैं। इसको एक और तरीका है बनाने का कि अगर हम से टू के स्थान पर फॉरगेट का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो सीज और सेड प्लस टू के स्थान पर हम फॉरगेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो हम फॉरगेट का प्रयोग करेंगे, तो इसको एक तरह और बना सकते हैं, ही फॉरगेट मी। अब देखिए जब फॉरगेट का यूज करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अपने आप में निगेटिव होता है, तो ही फॉरगेट मी, अब यहाँ टू लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा रीड That, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा बुक हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए है ही सेड टू हर, ठीक, ही सेड टू हर स्टॉप वर्किंग, ठीक। इसको अलग रूप से देख लिया जाए, ठीक, जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो देखिए ही, अब यहाँ पर आपको ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मतलब इन दोनों रूल का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और रूल बता रहा हूँ, तीसरा रूल, ताकि आपको पहला दूसरा और तीसरा रूल किस तरह हम निगेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं उसको आप लोग तीन रूल से समझना। अक्सर दो ही रूल बच्चे स्टडी करते हैं, तीसरा भी आप लोग स्टडी करना है। तो ही यहाँ पर प्रिवेंटेड भी लगा सकते हैं, प्रोहिबिटेड भी लगा सकते हैं, तो हम लगा दिए प्रिवेंटेड, He prevented her. तो जब prevented या prohibited का लगेगा तो वहां पर हम from का प्रयोग करेंगे, to का प्रयोग नहीं करेंगे। तो he prevented her from working. ठीक, यहाँ पर स्टाफ का नहीं प्रयोग, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ही से टू हर स्टाफ कार्य करना बंद कर, तो यहाँ पर प्रिवेंटेड रोक ही दिया, तो ही प्रिवेंटेड हर फ्रॉम वर्किंग। एक बार और देखते हैं, हम इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस का टीचिंग आपको करा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ही से टू मी डू नॉट रीड दिस बुक है, तो ही यहाँ ऑर्डर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का है और इसका संबंध ऑर्डर से हो रहा है, तो ऑर्डर मी पहले नॉट उसके बाद टू, रीड दिस को दैट में उसके बाद टू लगा दीजिए, ठीक। और यहाँ पर ही फॉरगेट लगा देंगे मी, लेकिन जब फॉरगेट लगाएंगे तो मी के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, टू रीड हो गया, दिस को बदल दिए दैट में, उसके बाद बुक हो गया। तीसरा क्या है, एक और रूल है कि ही प्रिवेंटेड हर फ्रॉम वर्किंग, तो हम क्या किए, ही
आप से क्यों कैसा प्रिवेंटेड कर लिया हर तो जब प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का प्रयोग करेंगे तो यहां फ्रॉम के बाद इसको लगाएंगे इसको छोड़ देंगे ठीक। इस तरीके से हम निफ्टी सेंटेंस का स्टडी करेंगे। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस के इंफैटिक फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के इंफैटिक फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंफैटिक मतलब होता है एम्फसाइज दबाव डालना। जैसे यहां एक सेंटेंस देखेंगे He said to me, "Do read this book." यानी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। ठीक। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसको पढ़े के लिए फ्री टेंस समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है बात। अगर डू के बाद कोई सब्जेक्ट होता तब ये पढ़े के लिए फ्री टेंस का वाक्य होता। बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पढ़े के लिए फ्री टेंस डू एंड डज। तो उस बुनियाद पर हम इसको समझ लेते कि अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका पढ़े के लिए फ्री टेंस का। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर डू का प्रयोग हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस के इंफैटिक फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब इसको क्या करते हैं हम बालक जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ही से टू के स्थान पर या तो ऑर्डर लिखिए टोल्ड भी लिख सकते हैं। तो ही टोल्ड मी अब यहाँ कंजक्शन टू लगाकर ये जो डू है उसको हटा देंगे। ये मानिए डू डी डू को डुबा दीजिए ठीक। तो यहाँ पर डू हटा देना है टू रीड दिस को बदल देंगे दैट उसके बाद ठीक। अगला देखेंगे जैसे सीमा से टू राधा ठीक डू प्ले क्रिकेट डू प्ले क्रिकेट ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे जब इसको हम बदलेंगे तो फिर वही यहाँ लिख देंगे सीमा से टू के स्थान पर चाहे टोल्ड लिखिए चाहे ऑर्डर लिखिए। मान लीजिए हम ऑर्डर ही लिख देते हैं ऑर्डर। उसके बाद हो गया राधा अब टू लिखेंगे डू को डुबा देना है हटा देना है। उसके बाद हमारा हो जाएगा प्ले क्रिकेट ठीक। इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस के तीनों एग्जांपल का स्टडी करेंगे। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्टडी करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं इसको ध्यान रखिए। ऐसे वाक्य जिनसे आशीर्वाद श्राप अभिवादन शुभकामनाएं अच्छी या बुरी कामनाएं घटित होती हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग ठीक। दूसरा मे गॉड हेल्प हर। तो इस तरीके से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल ठीक। अब हम किस तरीके से अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बालक जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होगा सेड टू इसके स्थान पर हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार भाव के अनुसार इसको हम या तो प्रेड में या तो विष्ट में या तो कर्स्ड में ठीक या तो बेड में ठीक ऐसे बदलते जाते हैं। और कंजक्शन दैट का प्रयोग करके हम शेष वाक्य को वैसे रख देते हैं। और यहाँ पर हम मे को माइट में चेंज करते हैं मे को माइट में चेंज करते हैं। तो आइए कुछ इसके एग्जांपल्स को देखा जाए। अब इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वाक्य है ही से टू मी ठीक मे गॉड हेल्प मे गॉड हेल्प हर
ठीक भगवान उसकी भला करे या सहायता ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है ठीक है ना। तो जब प्रार्थना कर रहा है तो इसको हम बदलेंगे ही से चुके स्थान पर हम बदल देंगे प्रेड, प्रेड बदल देंगे, विश्व भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा मी कंजक्शन हमारा दैट, अब मे को हटा देंगे गॉड थर्ड पर्सन है नो चेंज होगा, अब यहाँ पर लिखेंगे गॉड, अब यहाँ मे को बदल देंगे यहाँ पर माइट में, उसके बाद हो जाएगा हेल्प, हर हमारा थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। एक बार और देखा ही से टू मी, इसका जो संबंध है वह है ये प्रार्थना से है या इच्छा से है, उसे चुके स्थान पर हम प्रेड लिख देंगे मी कंजक्शन दैट, अब गॉड थर्ड पर्सन पहले लिख देंगे मी को बदल देंगे माइट में, अब हेल्प उसके बाद क्या हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जैसे मान लीजिए है सी से टू मोहन, सी से टू मोहन मे यू, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल मतलब नरक में जाओ, फाड़ में जाओ। अब वहां पर नरक में जाने के लिए आप श्राप दे रही है, तो इसको जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सी अब यहाँ हो जाएगा हमारा कर्स, उसके बाद मोहन कंजक्शन हमारा हो जाएगा दैट, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन के अनुसार यहाँ हो जाएगा ही, और मे को बदल देंगे हम माइट में, उसके बाद गो टू है ये है इसको बदल देंगे। अभी ध्यान देंगे इसके बाद जो रूल्स हैं उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मे का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान देंगे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसको हम कैसे बदलेंगे। तो मे का प्रयोग नहीं होता वाला तो ऐसे हालात में हम अपने तरफ से सब्जेक्ट के बाद हम माइट का प्रयोग कर देंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल सी से टू मी, सी से टू मी यहाँ पर गॉड से द प्रेसिडेंट, गॉड से द प्रेसिडेंट, और इससे हम ये कैसे पकड़ लेंगे कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ होगा, और यहाँ गॉड से द प्रेसिडेंट। यहाँ मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ वाला, आप एस एस पी भी एक रूल होता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज टू वर्क सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल होता है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे करेक्शन करने के लिए आता है इंटर में जब सिंटैक्स आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो गॉड है वो आप थर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए ना, सिर्फ नहीं बात है आपकी किस सेंटेंस में अगर वर्ब हमारा यहाँ पर सिंगुलर ही क्यों ना हो, तो सॉरी जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही क्यों ना हो वर्ब जो होगा हमारा प्लूरल ही होगा। अब इसको कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हो जाएगा सी यहाँ हो जाएगा ब्रेड, सी ब्रेड मी, अब यहाँ कंजक्शन दैट, अब गॉड थर्ड पर्सन मुझे, अब इसी के बाद हम अपने तरफ से माइंड का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माई से द प्रेसिडेंट ठीक। जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया अगला पॉइंट में कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आपके किसी सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो और वहां पर मे का प्रयोग नहीं हुआ तो हम कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो आप ध्यान देंगे सी प्रेड हो गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना का था, मी कंजक्शन दैट जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम अपने तरफ से माइंड का प्रयोग करते हैं और शेष वाक्य को वैसे ही रख देते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल्स पे आते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन या शुभकामना से संबंधित वाक्य का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ही से टू हिज फ्रेंड्स, ही से टू हिज फ्रेंड्स हैप्पी होली, हैप्पी होली ठीक। तो यहाँ पर हम बदलेंगे ही से टू के स्थान पर विश
उसके बाद हो जाएगा हिज फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्नी हम लिखेंगे हैप्पी होली। ठीक, ही विश्ड हिज फ्रेंड्स हैप्पी होली। एक और देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे, अगर यहाँ रहता गुड बाय, यहाँ होता बेड, उसके बाद हिज फ्रेंड्स गुड बाय। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, आप लोग स्टडी करते रहेंगे। मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, उसमें सी said to me happy happy eat happy eat and या happy eat। उसके बाद यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, examples यहाँ पर हो जाएगा she wished me, उसके बाद हो जाएगा हमारा हैप्पी ईद। ठीक, इस तरीके से बदल लेते। अगला हम उस पर चलते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेशन से संबंधित तथ्य का प्रयोग हुआ हो तो उसको कैसे बदलेंगे। उसमें क्या होता है कि जो सेड टू, तीसरा टेंस में आएगा, जो सेड टू होगा उसके स्थान पर हम कांग्रेचुलेटेड लिखेंगे। सेड टू होगा उसके स्थान पर कांग्रेचुलेटेड लिखेंगे, और उसके बाद आन का प्रयोग करेंगे, सीधे उसके पश्चात जाएंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और शेष वाक्य को रखेंगे। एक बार और ध्यान देना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेशन से संबंधित वाक्य का प्रयोग हुआ हो तो सेड टू के स्थान पर हम कांग्रेचुलेटेड लिखेंगे, और उसके बाद आन का प्रयोग करके मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे और शेष वाक्य को वैसे ही रखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे हम आते हैं, ही said to me, he said to me, congratulations, you have topped the लिस्ट, यानी मुबारक हो आपने लिस्ट सूची को टॉप किया। ऐसा अगर वाक्य हो तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, ही अब यहां सेड टू के स्थान पर हम कांग्रेचुलेटेड का प्रयोग करेंगे। ठीक, कांग्रेचुलेटेड मी, अब यहां आन का प्रयोग करेंगे, आन और कांग्रेचुलेशन से लेकर है तो छोड़ देंगे। अब आन के जो मेन वर्ब है देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस यू हैव टॉप्ड द लिस्ट, तो हम ही सेड टू के स्थान पर कांग्रेचुलेटेड लिखेंगे, मी आन। अब मेन वर्ब हमारा क्या है, टॉप्ड है, इसको आईएनजी फॉर्म में बदलेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा टॉपिंग, उसके बाद हो जाएगा द लिस्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन सभी रूल्स को स्टडी करते हैं और उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टडी करते हैं कि अगर हम देखें और अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो देखते हैं, ठीक इसके माने होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का परिभाषा ये होता है कि ऐसे वाक्य जिससे हृदय की प्रबल भावनाएं प्रकट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, हुर्रा आई है पास्ट। ठीक, उसके बाद दूसरा देखेंगे, अलास शी हैज फेड। ठीक, तीसरा देखेंगे, टू यू हैव फेड, यू हैव फेड अगेन।
चौथा देखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कि अक्सर जो इंटरजेक्शन होता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क का प्रयोग होता है, अन्यथा इसके वाक्य के अंत में एक्सप्लेनेशन मार्क का प्रयोग होता है। तो हम इस वाक्य को, इस प्रकार के वाक्य को अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं उसको ध्यान देंगे। बालक सेड टू के स्थान पर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रयुक्त सेड टू है उसके स्थान पर हम रिपोर्टेड स्पीच के भावनाओं के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एक्सक्लेमेड विद, एक्सक्लेमेड विद सारो। ठीक, यहाँ हम ग्रीफ भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेड विद ग्रीफ भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर बदल सकते हैं जब खुशी है तो एक्सक्लेमेड विद जॉय, और इसके स्थान पर हम डिलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर है एक्सक्लेमेड विद, एक्सक्लेमेड विद कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट। ठीक, फिर है एक्सक्लेमेड विद, और कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग हम तब करेंगे जब यहाँ पर चिढ़ाने से संबंधित, मतलब हंसी उड़ाने से संबंधित कोई बात होगी, तब हम तिरस्कार जब होगा तब हम कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेड विद एप्लीव, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई बहादुरी वाली बात हो। फिर आता है एक्सक्लेमेड विद, एक्सक्लेमेड विद यहाँ एप्लीव हो गया कॉन्टेम्प्ट, डिलाइट, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। ठीक, तो इस तरीके से कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो उसके भावनाओं के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भावनाओं के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयुक्त जो सेड टू है उसके स्थान पर या तो एक्सक्लेमेड विद सारो या ग्रीफ लिख देंगे, अगर दुख की बात होगी तो एक्सक्लेमेड विद जॉय या डिलाइट, एक्सक्लेमेड विद कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेमेड विद अप्लीव, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर है ही से टू मी, ठीक, हुर्रा हुर्रा, आई है पास्ट, हुर्रा आई है पास्ट। ठीक, तो यहां पर देखें तो ही, अब यहां पर खुशी की भावना प्रकट हो रही है तो ही अब यहां हो जाएगा एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड विद जॉय, जॉय भी लिख सकते हैं या तो हम डिलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्सक्लेमेड विद जॉय या डिलाइट। अब दैट, इसकी खासियत यह है वाला कि हम इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ही एक्सक्लेमेड विद जॉय या डिलाइट दैट आज हमारा, ये हमेशा याद करेंगे सम फार्मूला, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या ही, यहाँ ही हो गया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम बदल देंगे पास्ट में, तो हो जाएगा हमारा पास्ट। ठीक, तो ही सेड टू मी, हुर्रा आई है पास्ट, तो ही एक्सक्लेमेड विद जॉय या डिलाइट लिख सकते हैं दैट ही है पास्ट। ये पहला एग्जांपल, इसके बाद आते हैं दूसरे एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हुआ सी से अलास, अलास आई है फेड, अलास आई है फेड, तो यहां पर दुख प्रकट कर रही है कि आह मैं फेल हो गई। तो यहां पर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सी से के स्थान पर हम लिखेंगे, यहाँ टू मी डाल दिया जाए, सी से टू मी नहीं डालते तभी कोई बात नहीं है, तो सी से टू मी एक्सक्लेमेड विद सारो, यहाँ पर हम ग्रीफ भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, तो एक्सक्लेमेड विद सारो दैट
अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा सी है तो यहाँ हो जाएगा शी हैड, उसके बाद हमारा हो जाएगा फैड। ठीक है, एक और आते हैं दूसरा तीसरा पर मोहन मोहन से टू हर व्हाट अ व्हाट अ गुड न्यूज व्हाट अ गुड न्यूज व्हाट अ गुड न्यूज। ठीक, या व्हाट अ गुड न्यूज इट इज व्हाट अ गुड न्यूज इट इज। तो यहाँ पर सरप्राइज से कर रहा आश्चर्य से कर रहा है तो यहाँ पर बदल देंगे मोहन एक्सक्लेमेड एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज दैट। अब इट यहाँ लाइए दैट इट इस को बदल देंगे बाद में इट वाज और व्हाट और को बदलते हैं अ वेरी में और हाउ को बदलते हैं वेरी में, ये ध्यान रखिएगा। तो इट वाज अ वेरी गुड न्यूज इट वाज अ वेरी गुड न्यूज। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता टू से तो सी मान लीजिए यहाँ होता मोहन से टू हर टू यू हैव फेल्ड तो यहाँ पर एक्सक्लेमेंट विद कंटेंट का प्रयोग कर देते। इस तरीके से इसका हम स्टडी करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य है ही से टू मी ठीक व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम। ठीक, तो इसको जब हम बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही, अब प्रश्न पूछ रहा है तो आस्क उसके बाद मी अब व्हाट कंजक्शन लगाएंगे। जब इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है तो कंजक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। अब योर यहाँ देखेंगे तो योर हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार योर हमारा पोसेसिव केस है तो योर आया मी के लिए तो मी का पोसेसिव केस क्या होगा माई। अब लिखेंगे हम यहाँ पर नेम और ई से एम आर को बदल देंगे वास में तो यहाँ ई को बदल देंगे वास में। अब से देखेंगे ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम तो ही आस्क्ड मी व्हाट योर सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार तो योर पोसेसिव केस में योर आया मी के लिए तो मी का पोसेसिव केस माई उसका नेम उसके बाद व्हाट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे सी से हु आर यू ठीक इसको बदलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा सी आस्क उसके बाद हो जाएगा हु। ठीक, अब यू सेकंड पर्सन है हम मान लेते हैं मान लीजिए हम मी मान लिए तो सी आस्क मी अब कंजक्शन हु और यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी है मी का क्या होगा आई इज अ मार्क वाज वर्ब में आएगा तो सी आस्क सी से हु आर यू वो कही कि तुम कौन हो तो सी आस्क में मुझसे पूछी कि मैं कौन था। आते हैं एक और एग्जांपल पर जैसे ही से टू मी विच पेन डू यू गिव मी। ठीक, तो इसको जब हम बदलेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में तो ही आस्क मी उसके बाद हो जाएगा विच। अब देखिए बालक अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे प्लस रिलेटेड नाउन का भी यूज करेंगे। तीसरा रूल है ध्यान से समझिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो ही से क्वेश्चन आस्क मी व्हिच हो जाएगा रिलेटेड नाउन भी हम रख देंगे तो व्हिच पेन। ठीक, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या व्हिच पेन। अब ये पॉजिटिव इनफिनिटिव टेंस का वाक्य है तो इसको अफर्मेटिव बदलेंगे तो व्हिच पेन यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी या का होगा आई। ठीक, अब गिव को बदल देंगे हम पास्ट इनफिनिटिव टेंस में ये मी फर्स्ट पर्सन है ही के लिए तो मी ऑब्जेक्टिव केस है ही का ऑब्जेक्टिव केस ही। अब से देखेंगे ही सेड टू मी व्हिच पेन डू यू गिव मी तो ही सेड टू क्या सर्व आस्क उसके बाद मी कंजक्शन हो जाएगा व्हिच रिलेटेड नाउन पेन
आप यू को हटा देंगे हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी है, तो यू पहले आने के कारण सब्जेक्ट केस में तो मी का सब्जेक्ट केस आई, और पजेट इन्फिनिटिव को हम पास्ट इन्फिनिटिव केस में बदलते हैं, तो जनरली वी हैव ऑलरेडी डन दैट, वी यूज्ड टू सेकंड फॉर द वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अब पास्ट इन्फिनिटिव केस इसको अफर्मेटिव में बदलना है, तो गिव के जगह पर क्या हो जाएगा गिव, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही मतलब मी आया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हमारा ही है मी ऑब्जेक्ट के साथ, ही का ऑब्जेक्ट के क्या हो जाएगा ही, यानी एक और आते हैं एग्जांपल पर, ही सेड टू मी ठीक कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशंस ऐसे आ गया, तो इसको हम बदल देंगे ही कांग्रेचुलेटेड, ही कांग्रेचुलेटेड मी, अगर आ गया ही सेड टू मी वेलकम तो ही वेलकम मी ठीक, इस तरीके से हम बदलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जब लॉकडाउन समाप्त होता है तो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे और आप अवश्य आए ताकि हम सब मिलकर अच्छी तरीके से स्टडी करें और इस क्षेत्र और देश का नाम रोशन करें।